जबरदस्त किस्म का ब्लूबेरी चीज केक जो के मिरर वाले ट्रे में रखा हुआ मैंने, और ये हैं डेट बार्स, इनकी मैं आपको फ्रंट साइड दिखाती हूँ, फ्रंट से अच्छी लगेगी ऐसे। ये ब्लूबेरी सॉस बना लेते हैं, उसके लिए मैंने ले ली हैं ब्लूबेरीज। ये मैं चीज़ केक बनाने लगी हूँ ना, ब्लूबेरी चीज़ केक। तो अगर आपके पास ब्लूबेरीज नहीं है तो आप पीच की बना सकते हैं, मैंगो की बना सकते हैं, एप्पल की बना सकते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी फ्रूट ले लें। इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी ब्राउन शुगर, ब्राउन शुगर नहीं है तो वाइट शुगर डालें। थोड़ा सा पानी डाल के ये सॉस को हम पकने देंगे, बस बहुत ईजी सी है, पक जाएगी तो ये रेडी हो जाएगी। डेढ़ कप मैंने ब्लूबेरीज डाली थी, इसमें आधा कप बचा ली है, वो लास्ट में डालूंगी ताकि उनका थोड़ा सा टेक्स्चर अच्छे से ना नजर आए। ये देखिए ब्लूबेरीज बिल्कुल सारी सॉफ्ट हो गई हैं, बर्स्ट हो गई हैं, और इनकी जो है ना वो फिर अब राउंड नहीं नजर आ रही हैं। तो इसके अंदर अब मैं लास्ट में थोड़ी सी जो रिमेनिंग ब्लूबेरीज थी वो डाल दूंगी ताकि जरा थोड़ा सा उनके वो राउंड राउंड सी ब्लूबेरीज भी नजर आए, तो ओवरऑल ब्लूबेरी सॉस की लुक बहुत अच्छी आएगी। और मैंने टेस्ट किया था, मुझे थोड़ी सी ये सावर लग रही थी तो मैंने इसमें थोड़ी सी शुगर और डाल दी है। बस इसको मिक्स करेंगे, एक दो बॉयल आएंगे तो बस चूल्हा बंद कर देंगे। ब्लूबेरी सॉस हमारी रेडी हो गई है, इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे और ब्लूबेरी चीज केक की तैयारी शुरू कर लेंगे। मैंने मैरी बिस्किट ग्राइंड कर लिया, पाउडर बन गया, तो उसमें मेल्ट किया हुआ बटर डाल दिया है। मुझे डाइजेस्टिव बिस्किट की बजाय मैरी बिस्किट की बेस ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत स्मूथ और सॉफ्ट भी होती है। और इसको मैं लेवल आउट कर लूँगी और अच्छी तरह ग्लास से प्रेस कर लूँगी। नॉर्मली क्या होता है कि जो क्रस्ट जब हम घर पर बनाते हैं ना चीज़ केक की, इसको हम फ्रिज में रख देंगे, ओके बाय द वे, जब तक हम बाकी चीज़ें प्रिपेयर करें ना, ये फ्रिज में पड़ा रहे। अच्छा, तो हम जब बनाते हैं ना तो क्या होता है कि चीज़ केक तो बड़ा अच्छा सा होता है लेकिन नीचे की बेस इतनी हार्ड होती है कि टक करके स्पून की आवाज़ आती है, तो वो इस केस में नहीं होगा ये मैरी बिस्किट यूज करने से। अच्छा जी, मैंने ली है एलन वायर की विप क्रीम, इसी की वजह से प्रॉब्लम हुआ था कि ये वाली नहीं थी, दूसरी क्रीम थी और टेक्सचर अच्छा नहीं आया था, ये वाली बेस्ट क्रीम होती है। और इसको मैंने मेजर किया है और इसको अब हम विप करेंगे थोड़ी सी चीनी के साथ। तो सॉफ्ट पीक्स आपने बनानी है, बिल्कुल एकदम स्टिफ पीक्स नहीं बनानी है, मतलब यानी कि थोड़ी सी ये रेडी हो जाएगी तो फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। और वो जो कुकी बेस है वो मैंने अभी बना के फिलहाल फ्रिज में रखी हुई है। ये देखें, ये सॉफ्ट सी पीक्स बन गई हैं इसकी। तो अब मैंने लिया है क्रीम चीज़, क्रीम चीज़ मैं किरी का यूज़ करती हूँ, और इसके अंदर मैंने डाल दिया है वेनिला पाउडर, आप बेशक वेनिला एसेंस डालें नो प्रॉब्लम। इसको हमने अच्छी तरह विस्क करना है कि ताकि कोई लम्स इसके अंदर ना रहे। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे, और उतनी देर में मैंने माइक्रोवेव में वाइट चॉकलेट भी मेल्ट की है। ये जो केक है, चूंकि ये नो बेक है तो ज़्यादातर जो चीज़ केक्स होते हैं उनमें जेलेटिन डाला जाता है, लेकिन बहुत से घरों में जेलेटिन अवेलेबल नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि जेलेटिन यूज़ करना हराम है, वो एक डिफरेंट डिबेट है। तो पर्सनली मैं यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन आप सबकी कन्वीनियंस के लिए मैंने वाइट चॉकलेट का यूज़ किया है ताकि ये हर घर में अवेलेबल भी होती है और आपका चीज़ केक भी अच्छा बनेगा। अगर आप ये चॉकलेट नहीं डालेंगे ना और सिर्फ क्रीम और विप क्रीम यूज करेंगे तो इतना ढीला सा केक बनेगा ना कि आपको खुद ही अच्छा नहीं लगेगा कि ये क्या हो गया, मेहनत करके जाया हो गई। अच्छा, तो ये जो क्रीम चीज मिक्सचर था इसमें मैंने डाली है जी ये वाइट चॉकलेट। ये आपने गरम गरम नहीं डालनी, माइक्रोवेव से निकालेंगे तो रूम टेम्परेचर पे आने दें, उसके बाद आपने डालनी है क्रीम चीज में, क्योंकि क्रीम चीज भी रूम टेम्परेचर ही होना चाहिए। ठीक है, चूंकि ये वीडियो फास्ट फास्ट चल रही है इसलिए बहुत सारे स्टेप्स बीच में मिस हो रहे हैं तो बाद में बता रही हूँ। क्रीम चीज़ रूम टेम्परेचर होगा और विप क्रीम जो है वो बिल्कुल चिल्ड वाली आपने लेनी है। अच्छा जी, इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब इस बार मैं इलेक्ट्रिक बीटर नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसको मैंने अच्छे तरीके से हल्के हाथ से मिक्स करना है, तो मैं स्पैचुला की हेल्प से मिक्स कर रही हूँ। क्रीम चीज़ और चॉकलेट वाला मिक्सचर विप क्रीम में डाला, मिक्स किया और जनाब ये रेडी हो गया हमारे चीज केक। इसको हम अच्छी तरह से जो है ना यहाँ पे लेवल आउट कर लेंगे और इसको रख देंगे ओवरनाइट फ्रिज में। अब है जी ये नेक्स्ट डे माशाल्लाह से, और ये मैंने गरम पानी लिया हुआ है और इसमें मैं नाइफ को जो है ना वो कर रही हूँ थोड़ा सा नीम गरम सा ऐसे हीट कर रही हूँ, और साथ में मैं सारी साइड से चीज केक को रिमूव कर रही हूँ। और ये देखिए कितनी अच्छी लुक आई है, और ये जो चीज सॉस है हमारी ये भी रेडी थी, एक दिन पहले ही रेडी कर ली थी, सो इसको मैंने डाल दिया है चीज केक के ऊपर। और ये इतना मजे का चीज केक होता है और इसकी बेस इतनी सॉफ्ट और मजे की होती है। बेस हमेशा सख्त तब बनती है, या तो आपने बिस्किट की कोई ऐसी टाइप यूज की हो या फिर आपने उसके अंदर बटर बहुत ज्यादा डाला हो। बहुत कम बटर डालेंगे तो क्रम्बली हो जाएगी, बहुत ज्यादा डालेंगे तो हार्ड तरीन बटर होगा, लेकिन ये
वाली मेरी क्वांटिटी को फॉलो करेंगे तो आप दुआएं देंगे मुझे और आपके गेस्ट आपको बहुत शाबाश देंगे। अच्छा जी, ये खजूरें इनके सीड्स रिमूव करके ना मैंने इन्हें पानी में भिगोया हुआ था। मैं ना ये डेट बार्स, चॉकलेट डेट बार्स बनाने लगी हूँ, तो पानी इनका मैंने अच्छी तरह से निचोड़ा है और अब इनको मैं ग्राइंड कर लूंगी। जितना फाइन ग्राइंड कर सकते हैं उतना कर लें। अब मैंने क्या किया कि जी बादाम जो है ना इनको भी मैं टोस्ट कर लूंगी, ड्राई रोस्ट करने हैं। आपने अच्छी से खुशबू आ जाए हल्की आग पे आपने करने हैं, क्रंची से हो जाए तो फिर आपने इनको कोर्सली ग्राइंड कर लेना। थोड़ा से जो बादाम है मैंने साइड पे कर लिया बाद में डेकोरेशन के लिए, बस ऐसे 2 चम्मच से बादाम जो है ना, और बाकी मैंने इसमें डाल दिए हैं खजूरों में, और बस ये 2 इंग्रेडिएंट ये रेसिपी है। ये मिक्स कर लेंगे, इसकी बेस तैयार हो गया पानी में, थोड़ा सा मैं इसको डिप करके और फिर उसके बाद ये चूंकि स्टिकी होती है ना तो इसके हम जो बना लेंगे छोटी छोटी सी बार्स। अब एक एक जो ये बॉल है इसकी 3-3 बार्स बनाने लगी हूँ मैं, और बहुत बहुत मज़े की रेसिपी बनती है और ये हेल्दी भी बहुत है, तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे भी खजूर के बारे में हदीस है कि जिस घर में खजूर होती है वहाँ पर इसकी तंगी नहीं आती, तो मेक श्योर कि आपके घर में हर वक्त खजूरें अवेलेबल हों और हेल्दी भी बहुत हैं, खाने में बहुत अच्छी हैं और इसके जो है इस्लामिक बेनिफिट्स भी इतने ज़्यादा हैं। अच्छा जी, ये मैं फिर क्या कर रही हूँ कि इनको मैं थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया था, ज़रा थोड़ी ना हैंडल करने काबिल हो गई थी तो फिर मैंने इन पर चॉकलेट लगाई, लेकिन मुझे हो रही थी देर और मुझे और भी काम करने थे, आज डिनर था ना ज़ाहिर है, तो मैंने फिर ये क्या किया कि सारों को अरेंज किया ट्रे के ऊपर और इनके ऊपर इस तरह फॉर्क की हेल्प से मैंने सारी चॉकलेट लगा दी। ये मिल्क चॉकलेट है, कोई सी भी चॉकलेट लेके आप उसको मेल्ट करके तो इसके ऊपर कवर कर सकते हैं। अब ये डार्क चॉकलेट है मेरे पास तो इससे मैं डिजाइन बना रही हूँ, ये पार्ट आप बेशक स्किप कर दें, बहुत मजे की बनती है जरूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा ये करके ना आपने इसको फिर फ्रिज में रख देना ताकि अच्छी तरह चॉकलेट सेट हो जाए। जब चॉकलेट सेट हो जाएगी तो फिर आपने दोबारा से चॉकलेट लेनी है और दोनों साइड्स पे लगा के ना बार्स के, तो आपने नट्स लगा देने दोनों साइड्स पे, तो इतनी प्यारी लुक आती है इन बार्स की, ट्रेडिशनल बार्स से ये हटके होती है और देखने में एकदम लगता है कि बड़ी कोई फैंसी सी ये डिजर्ट है, लेकिन ये कैसे बनाई है और ये क्या है इस चीज की बहुत क्यूरियोसिटी होती है गेस्ट को, जब खाते हैं तो इतना ज्यादा मजा आता है। मुझे तो माशाल्लाह से बहुत तारीफें मिली थी, बहुत अप्रिसिएशन मिली थी।